हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस बच्चों, इसमें आज इस वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक पार्टनर का रिलेशनशिप होता है विद आर थर्ड पार्टीज। यस, जो उसकी थर्ड पार्टीज है जिनके साथ में वो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, मतलब कि जो पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर के लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप कैसा होता है, उससे रिलेटेड हम 3 से 4 सेक्शंस आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो की अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 1 की, तो वहाँ पर हमने बात करी है म्यूचुअल, यानी कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ में मीन्स विद इन द फर्म हमने बात करी थी, जिसमें हमने 9 सेक्शंस को वहाँ पर डिस्कस किया था, सेक्शन नंबर 9 टू सेक्शन नंबर 17। अब सेक्शन नंबर 18 से आज हम शुरुआत करेंगे और 4 से 5 सेक्शंस देखेंगे जो बात करेंगे पार्टनर और बाहर वाले लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स के बारे में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सभी पार्टनर्स को जब हमें कॉमन नाम से देखते हैं और समझते हैं तो उसे पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है, राइट। जो एक छत के नीचे सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप फर्म की छत। नाउ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उसमें हमने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि 3 टाइप के रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर के साथ में, दूसरा एक और दूसरे पार्टनर के बीच में, और तीसरा पार्टनर्स और आउटसाइडर्स जो है हमारे थर्ड पार्टीज उनके बीच में। तो पहले 2 रिलेशंस तो हम समझ चुके हैं, आइए इस वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से ये थर्ड पार्टीज के साथ में संबंध होता है पार्टनर्स का। नाउ जैसा कि आपको दिख रहा होगा 2.5 में, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। अब ये थर्ड पार्टीज कौन है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो बाहर है, यानी कि हमारी फॉर्म से बाहर है, वो भले ही क्रेडिटर हो सकता है, जिसके साथ में हम बिज़नेस कर रहे हैं वो हो सकता है, हमारा कोई भी सप्लायर हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जो थर्ड पार्टी है हमारे लिए और हमारी फॉर्म के लिए, उसका हमारे पार्टनर के साथ में क्या रिलेशनशिप होता है। नाउ सबसे पहले हम ये देख चुके हैं कि इस चीज़ को समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे समझिए कि जब जब ये फॉर्म है, कोई ये बाहर का पर्सन है और ये पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर जब भी कोशिश करेंगे बाहर के किसी भी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, तो क्या वो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, वो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं, बट ये पार्टनर किसके साथ में काम कर रहे हैं, इनफैक्ट किसकी छत्र छाया में काम कर रहे हैं, वो है फॉर्म, राइट। तो फॉर्म के बिना क्या ये पार्टनर कुछ है, क्या नहीं है, तो पार्टनर अकेले क्या काम कर पाएंगे, नो। क्या डायरेक्टली पहुंच जाएंगे, क्या नहीं, क्यों, इनको वाया फॉर्म ही जाना पड़ेगा, मींस ये हमेशा रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं, फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ये सभी पार्टनर्स। तो जब किसी थर्ड पर्सन के साथ में कोई भी बिजनेस होता है तो फॉर्म तो बीच में आनी ही आनी है, फॉर्म है आर्टिफिशियल पर्सन, बट वो काम किससे करवाती है, वो सारा काम पार्टनर्स के थ्रू ही करवाती है। तो पार्टनर्स सारा काम करते जाते हैं फॉर्म के लिए, बराबर है, और वो सारे थर्ड पार्टी से मिलते जाते हैं। ना बात यह है कि अगर ये एक्ट बिगड़ गया या फिर ये काम गड़बड़ हो गया या फिर कोई लाइबिलिटी आ गई, तो इस वाले केस में क्या अब फॉर्म को हम पहले पकड़े या फिर हम यहाँ पर पार्टनर्स को पहले पकड़े, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ऑलरेडी सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने ये बात कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 4 स्टार्टिंग में ही बोल रहा था क्या कि हर एक पार्टनर एक प्रिंसिपल भी होता है और एक एजेंट भी होता है ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल, प्लस हर एक पार्टनर एजेंट होता है फॉर इट्स फॉर्म। ये बात भी हम समझ चुके हैं, मतलब कि कोई भी अगर काम करना है और फॉर्म के बिहाफ पर करना है तो वो काम कौन करेगा, पार्टनर करेगा, मतलब पार्टनर हो गया एजेंट और हमारी फॉर्म हो गई प्रिंसिपल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है और रिस्क ले रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हर एक पार्टनर एजेंट होता है अपनी फॉर्म का, तो अगर कोई भी पार्टनर बाहर जाके कोई भी धंधा कर रहा है फॉर्म के नाम पर, तो उसके लिए लायबल कौन होगा, उसके लिए लायबल होगा फॉर्म, क्योंकि फॉर्म प्रिंसिपल है और पार्टनर हमारा एजेंट है। सबसे पहले यही बात यहाँ पर दिखाई जा रही है सेक्शन नंबर 18 में। देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उन्होंने बोला है कुछ हमें प्रोविजन देखने पड़ेंगे, सब्जेक्ट टू दोस प्रोविजंस अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। बिजनेस की बात चल रही है, हर किसी काम के लिए नहीं, अगर कोई बिजनेस का काम चल रहा है और कोई पार्टनर वो काम करके आया है तो वो एजेंट होगा और जो यहाँ पर फॉर्म है वो उसकी प्रिंसिपल होगी, मींस एजेंट तो सिर्फ यहाँ पर नाम के लिए जा रहा है बट असली में नाम किसका लग रहा है, फॉर्म का लग रहा है। सो बाय डिफॉल्ट तो आपको यही रूल पकड़ना पड़ेगा कि एक कोई भी पार्टनर है वो बाय डिफॉल्ट
क्या होता है, वो एजेंट होता है अपनी फर्म का, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको आप याद रखिए, सेक्शन नंबर 18 हम स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। सेक्शन नंबर 4 मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि क्या लिखा हुआ है, यू मे रिकॉल दैट द पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये क्या था, ये था एजेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हम पहले ही समझ चुके थे कि एक पार्टनर एजेंट होता है बाकी सबके लिए, राइट। तो ये हमको समझ में आता है। सो सेक्शन नंबर 18 इस बात को फिर से क्लियर कर रहा है कि द कैरेक्टर ऑफ बोथ अ प्रिंसिपल एंड एन एजेंट, ये होता है हर एक पार्टनर के पास में। सो फार एज ही एक्ट्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज ओन इंटरेस्ट इन द कॉमन कंसर्न ऑफ द पार्टनरशिप ही मे प्रॉपरली बी डीम्ड एज अ प्रिंसिपल एंड सो फार एज ही एक्ट्स फॉर हिज पार्टनर्स ही मे प्रॉपरली बी डीम्ड एज एन एजेंट। तो दूसरों के लिए वो एक्ट कर रहा है तो वो एजेंट हो जाएगा, और दूसरे लोग उसके बिहाफ पर एक्ट कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको ऐसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करूं, पी टू पी यानी कि पार्टनर टू पार्टनर, ये प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है, एंड पी टू ए यानी कि पार्टनर टू योर फर्म, राइट, इसको फर्म कर देते हैं, ये एजेंट होता है, ठीक है, ये बात हमको पता है। तो यहाँ पर पी एंड ए बोथ और यहाँ पर एजेंट, ये चीज़ सेक्शन नंबर 18 ने यहाँ पर क्लियर कर दी है, ठीक है। नाउ द रूल दैट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, द रूल दैट अ पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं, सिर्फ बिजनेस के लिए ही बात चल रही है, बिजनेस के अलावा अगर किसी भी एक्ट के लिए आप बात करोगे तो वो एजेंट नहीं बोला जाएगा, कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजेक्शन, सभी ट्रांजेक्शन को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, एंड डीलिंग्स बिटवीन द पार्टनर themselves, मतलब आप ये पार्टनर टू पार्टनर की बात मत करो, उनका कहना है, हम जो बात कर रहे हैं कि एक पार्टनर और एक फर्म के बीच में पार्टनर हमेशा एजेंट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए बात की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए बात की गई है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के लिए बात की है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बीच में कोई दूसरे बहुत सारे काम करते रहे और दूसरों को दोषी ठहरा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये बोल रहे हैं कि सभी ट्रांजेक्शन के लिए ऐसा नहीं होगा, जो आपस में डीलिंग हो रही है उनके लिए भी नहीं होगा, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय पार्टनर्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। तो एक पार्टनर बिजनेस के लिए अगर कोई एक्ट करता है तो वो एजेंट होगा अपनी ही फर्म का, एज सिंपल एज दैट, यही फाइनल सेंटेंस है, इसको आप कोट कर लीजिए, ठीक है। और यही सेक्शन नंबर 18 बोल रहा है कि सबसे पहला रिलेशनशिप थर्ड पार्टीज़ के साथ में क्या होगा, कि थर्ड पार्टीज़ के बीच में यहाँ पर फर्म बीच में आ जाएगी, पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि जो पार्टनर है वो एजेंट है फर्म का, और फर्म प्रिंसिपल होने से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, रिस्क लेगी, वही पे बैक करेगी जो भी अगर लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स पार्टनर्स, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 18 कम्स टू एन एंड। अब सेक्शन नंबर 19 बात कर रहा है इंटरेस्टिंग इम्प्लाइड अथॉरिटी की। ये इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। अब दोस्तों इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब ये होता है कि हर एक पार्टनर कोई भी एक्ट कर सकता है अपनी फर्म के नाम पर, बराबर है, और ये अथॉरिटी उसके पास में है, बाय डिफ़ॉल्ट है, तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी हो गई, ठीक है, कि कोई भी पार्टनर एजेंट होने की वजह से अपनी फर्म के नाम पर कोई भी यहाँ पर एक्ट कर सकता है। बट ये कोई भी बोलना बहुत रिस्की नहीं लग रहा है आपको, तो कोई भी इलीगल काम करेगा फर्म के नाम पर चलेगा क्या? ये पार्टनर हो सकता है फर्म के नाम पर एक और पार्टनरशिप चालू कर दे, हो सकता है ये पार्टनर फर्म के नाम पर कोई बैंक अकाउंट खुलवा दे और उससे कोई भी अनशन ट्रांजेक्शन्स कर ले, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए कंडीशन क्या लगानी पड़ी, तो सेक्शन नंबर 19 ने बोला सेक्शन नंबर 18 को कि बॉस आपने एजेंट बना तो दिया है, पर रुको अभी ना, इम्प्लाइड अथॉरिटी आपने दे तो दी है, बट यहाँ पर ना हमको कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। क्या? तो वो रेस्ट्रिक्शंस इस तरीके से होंगे कि वो हाँ एजेंट होगा, उसके पास में इम्प्लाइड अथॉरिटी होगी, बट उसके कंडीशंस ये है कि वो होना चाहिए बिजनेस के लिए, यूजुअल तरीके से जैसे बिजनेस होता है, नॉर्मल तरीके से जैसे बिजनेस होता है उसी तरीके से वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तो हम उसको मानेंगे कि यस, इम्प्लाइड अथॉरिटी को उसने यूज़ किया है। और दूसरी कंडीशन कि वो हमेशा फर्म के नाम पर होना चाहिए, फर्म्स नेम पर होना चाहिए, खुद के नाम पर नहीं होना चाहिए। अगर फर्म के नाम पर आप धंधा कर रहे हो तो इम्प्लाइड अथॉरिटी बोली जाएगी, खुद के नाम पर कर रहे हो तो उसको नहीं बोली जाएगी। तो ये कुछ कंडीशन अगर फॉलो की जाती है तो ही इसको बोला जाएगा कि इम्प्लाइड अथॉरिटी आपने यूज़ करी है, या फिर आपको ये बोला जाएगा कि आपने स्कोप में रहकर, यानी कि स्कोप ऑफ अथॉरिटी, जितनी आपको अथॉरिटी दी गई है उसी में रहकर आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में काम किया है, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं, क्या?
कंबाइंड रीडिंग अगर आप करेंगे किसकी, 18+19+22 जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, 22 सेक्शन आता है जो बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन जो फर्म के नाम पर हुआ है उसी को हम बोलेंगे कि ये यूज़ किया गया है इम्प्लाइड अथॉरिटी को। तो इन तीनों ही सेक्शन की कंबाइंड रीडिंग से आपको पता चलेगा कि हर एक पार्टनर एजेंट तो होगा अपनी फर्म का, और वो अपनी फर्म के बिहाफ पर एक्ट भी कर सकता है, अपनी इम्प्लाइड अथॉरिटी को यूज़ कर सकता है, बट शर्त ये है कि वो बिज़नेस के नेचर में होना चाहिए, यूजुअल और नॉर्मल तरीके से जैसे बिज़नेस होता है वही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, अपनी स्कोप में रहकर उसने किया हो, फर्म के नाम पर उसने किया हो और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिज़नेस में किया हो, तो ही हम उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी में बोलेंगे, वरना हम उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द कंबाइंड रीडिंग ऑफ 18, 19 and 22। ये मैं पूरा आपको समझा चुका हूँ जो यहाँ पर इतना सारा लिखा है, देख लीजिए। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, द एक्ट ऑफ पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन अ यूजुअल वे बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म बाइंड्स द फर्म, तो वो बाइंड करेगा फर्म को। बट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या लिख दिया यहां पर, बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड बाय द फर्म, यानी कि जो फर्म का काम है वही अगर उसने काम किया है, तो जैसे कोई ब्रोकरेज फर्म है तो अगर पार्टनर ने जाके कोई ब्रोकरेज वाली डील कर ली तो वो ऑफ द काइंड हुआ, मतलब कि जो यहां पर फर्म का काम है, ठीक है। अगर आपकी फर्म कोई अकाउंटेंसी फर्म है, जैसे कि आप यहाँ पर ऑडिट्स करते हैं, सीए फर्म है, और आपका पार्टनर जाके बाहर डील कर लेता है फॉरेन एक्सचेंज की कोई, तो फॉरेन एक्सचेंज की डील क्या वो ऑफ द काइंड है? नो, वो ऑफ द काइंड नहीं है। तो क्या उसने अथॉरिटी से बाहर चले गया? यस। तो वहाँ पर क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी यूज़ की गई है? नो। तो क्या फर्म को बाइंड करेगा? नो, फर्म उससे बाइंड नहीं होगी, ठीक है। बट यहाँ पर इम्प्लाइड अथॉरिटी में कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करना है, ठीक है, जिससे फर्म बाइंड नहीं होगी, वो क्लियरली उन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि एक पार्टनर क्या क्या नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम, यानी कि वो उसको ये चीज़ करने की परमिशन कभी भी नहीं देती है। जैसे कॉमन वाले में आपको पहले बोलता हूँ कि वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दे जो फर्म की है, फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के नाम यूज़ करके बोले कि इम्प्लाइड अथॉरिटी, हम तो एजेंट हैं, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, ऐसा हो सकता है क्या? फर्म के नाम की ज़मीन ही बेच दी, नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो फर्म की इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर कर ले, मतलब कि क्या वो फर्म के नाम पर प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है? ना अक्वायर कर सकता है, ना बेच सकता है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए दोस्तों? यस, ठीक है। इसके बाद में क्या वो फर्म के नाम पर किसी दूसरे पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्या वो फर्म के नाम पर किसी लायबिलिटी को एडमिट कर सकता है क्या जो प्रोसीडिंग्स में चल रही हो? नहीं कर सकता है। क्या वो कोई सूट्स और प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, मतलब ना एडमिट कर सकता है ना विड्रॉ, मतलब ना वो यहां पर एडमिट कर सकता है ना विड्रॉ कर सकता है। तो ये दोनों पॉइंट हो गए किससे रिलेटेड? प्रोसीडिंग से रिलेटेड। ये दोनों पॉइंट हो गए इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है? इस पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, खुद के नाम पर क्या वो बैंक में एक नया अकाउंट खुलवा सकता है और बोल रहा है कि फर्म के बिहाफ पर खुलवा लिया मैंने? नॉट पॉसिबल। क्या वो कोई डिस्प्यूट को सबमिट कर सकता है रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन? नो, वो आर्बिट्रेशन के पास में भी नहीं जा सकता है। और सी पॉइंट क्या है, कॉम्प्रोमाइज और रिलिंग्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ अ क्लेम बाय द फर्म, क्या फर्म के नाम पर कोई भी क्लेम था अगर तो ना वो कॉम्प्रोमाइज कर पाएगा ना रिलिंग्विश कर पाएगा उस क्लेम को, ठीक है। तो ये टोटल इतनी 8 एक्शंस है जो वो कभी भी नहीं कर पाएगा इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयड अथॉरिटी। दो तो है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ना खरीद सकता है ना बेच सकता है। दो है प्रोसीडिंग्स के ऊपर, ना वो प्रोसीडिंग्स को एडमिट कर सकता है ना प्रोसीडिंग्स को विड्रॉ कर सकता है। एक है आर्बिट्रेशन के ऊपर कि आर्बिट्रेशन में वो नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई 5। छठा है क्लेम के ऊपर कि वो क्लेम से रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाएगा, और 7th है कि वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, एंड द लास्ट वन इज़ कि वो कोई पार्टनरशिप में भी नहीं एंटर हो सकता है। तो ये 8 एक्शन है जो इम्प्लॉयड अथॉरिटी के नाम पर नहीं हो सकता है, उसके अलावा सारे हो सकते हैं। तो 19th ये बोल रहा है कि इम्प्लॉयड अथॉरिटी को आराम से यूज़ करो, 18th बोल रहा है कि एजेंट तो हो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप फॉर्म को बाइंड कर सकते हो, फॉर्म को बाइंड करने की आपकी ताकत है, पर 19 बोल रहा है कि थोड़ा सब्र रखो,
आपको 22 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बताया गया है मोड, यानी कि क्या मोड है ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फॉर्म। तो वो बोल रहा है कि हमेशा फॉर्म के नाम पर होना चाहिए। तो 22 बोल रहा है शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फॉर्म्स नेम। तो 22 हो गया, 19 हो गया और 18 हो गया, और इन दोनों की कंबाइंड रीडिंग भी हमने कर ली है। ये तीनों पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इन द नेम ऑफ द फॉर्म होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट होना चाहिए, यूजुअल बिजनेस होना चाहिए, स्कोप ऑफ अथॉरिटी में होना चाहिए, तो ही उसको हम बाइंडिंग बोला जाएगा। ठीक है, अभी एग्जांपल है, ये आप पढ़ सकते हैं। मीनवाइल बीच में छूटा था सेक्शन नंबर 20, क्यों 18 हो गया, 19 हो गया और 22 हो गया। तो 20 तो हमने देखा ही नहीं बच्चों, तो 20 क्या बोल रहा है, 20 बोल रहा है कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस या फिर जो भी इंप्लाइड अथॉरिटी है आपके पास में, तो फर्म चाहे तो उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है और उसको एक्सपैंड भी कर सकती है, यानी कि एक्सटेंशन भी दे सकती है। मतलब कि एम्प्लॉयड अथॉरिटी को एडजस्ट किया जा सकता है दोस्तों। ऐसा किसका कहना है, सेक्शन नंबर 20 का। लेट्स सी ये क्या बोल रहा है। अब ये सेक्शन नंबर 20 बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों, इसका क्या कहना है, इसका ये कहना है कि आपका जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है उसको थोड़ा एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। तो ये कैसे होगा, तो आपको लगता है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी काम विदाउट द कंसेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट लेना पड़ेगा, बराबर है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी तो क्या है कि कोई भी पार्टनर है, लेट्स से मिस्टर ए, वो बाहर जाके कोई भी बिजनेस कर सकते हैं फर्म के नाम पर। ठीक है, और वो फर्म को बाइंड कर देंगे, ये बात पक्की है, अगर वो अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, नाउ लेट्स से कि वो अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, कैसे, अब ये एक फर्म है जो लेंडिंग फर्म है, ठीक है, जो फाइनेंसेस करती है और पैसा देती है, लेंड करती है। मिस्टर ए गए पार्टनर और उन्होंने एक ट्रांजेक्शन किया और उन्होंने क्या बोला कि हम लेंडिंग फर्म है तो हमें फंड्स की ज़रूरत है लोगों को लेंड करने के लिए। तो बी ने मिस्टर ए को पैसा दे दिया, फंड कर दिया, ताकि वो आगे फंड कर सके फर्म के नाम पर। लेट्स से 1,00,000 रुपये उन्होंने दे दिए। ठीक है, बट अंदर की बात ये थी कि ये इन्होंने अपनी एम्प्लॉयड अथॉरिटी में रहकर काम किया, जो एक यूजुअल तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, ऑफ द काइंड बिजनेस है फर्म का, वही मिस्टर ए ने किया है। बट अंदर की बात ये कि जो एम्प्लॉयड अथॉरिटी है वो यहाँ पर कम कर दी गई थी, रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। मतलब मिस्टर ए को ये बोला गया है कि आपको पावर है तो सही कि आप बाहर जाके पैसे ला सकते हो, बट वो सिर्फ 50,000 की ही पावर है आपके पास में। ठीक है, बट क्या बी को ये बात पता है, बी को ये बात नहीं पता थी, तो उसने 1,00,000 रुपये पूरा का पूरा दे दिया। एंड हाउ बी सपोज टू नो दिस, राइट। तो अगर बी इज अनअवेयर ऑफ दिस रेस्ट्रिक्टेड एम्प्लॉयड अथॉरिटी, ठीक है, तो फिर कौन बाइंड करेगा, मतलब क्या ये एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल ए होगा कि स्टिल फर्म ही रिस्पॉन्सिबल होगी, फर्म ही रिस्पॉन्सिबल होगी, बिकॉज आर थर्ड पार्टी वॉज अनअवेयर ऑफ दिस। सो यहाँ पर अभी भी कौन रिस्पॉन्सिबल है उस एक्ट के लिए, अभी भी फर्म ही रिस्पॉन्सिबल है, बट वेन, if and only if our third party is unaware of this restriction, ठीक है, या फिर अगर वो unaware थी तो firm responsible हो जाएगा। दूसरी situation क्या है कि उसको पता थी, if this B was aware कि उसको 50,000 का ही responsibility है, वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता है, उसके authority से बाहर है, तो क्या firm responsible होगी, तो फिर firm responsible नहीं होगी। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है सेक्शन नंबर 20 में, ये बोला गया है कि पार्टनर इन अ फर्म में बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपनी इम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर्स, किसी के भी इम्प्लॉयड अथॉरिटी को वो कम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, नॉट विदस्टैंडिंग एनी सच रेस्ट्रिक्शन, एनी एक्ट डन बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विच फॉल्स विद इन हिज एम्प्लॉयड अथॉरिटी बाइंड्स द फर्म। अगर एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आप गए हो, आपने काम किया है, तो वो फर्म को बाइंड करेगा। अनलेस क्या हो गया, द पर्सन विथ हुम ही इज डीलिंग नोज ऑफ द रेस्ट्रिक्शन। अगर इसको रेस्ट्रिक्शन के बारे में पता है तो क्या फर्म बाइंड होगी, नहीं, फर्म बाउंडेड नहीं होगी और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, मिस्टर ए की ही होगी। या फिर डज नॉट नो और बिलीव दैट पार्टनर टू बी अ पार्टनर, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि मिस्टर बी अगर अवेयर थे तो भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया, तो फर्म की कोई गलती नहीं है, अब मिस्टर ए ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होंगे। और दूसरा कि ये जो मिस्टर बी है वो ये सोच रहे हैं या फिर उनको ये नहीं पता है
कि ये बंदा पार्टनर है और तब भी उन्होंने उसके साथ में ट्रांजेक्शन कर लिया है तो भी यहाँ पर फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सो ये दो एक्सेप्शन हैं। अगर इन दो एक्सेप्शन को ध्यान में आप रखोगे तो उन वाली सिचुएशन में इम्प्लाइड अथॉरिटी का रेस्ट्रिक्शन है तो भी यहाँ पर फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ये है सेक्शन नंबर 20 और ये क्या बोल रहा है कि मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स जब तक साइन नहीं कर देते हैं। और ये चीज़ कब पॉसिबल है? ये चीज़ तब पॉसिबल है जब कंसेंट मिलेगी, वो भी सबकी, ऑल सबकी कंसेंट मिलना ज़रूरी है। देखिए ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, मतलब कोई एक पार्टनर या फिर मेजोरिटी पार्टनर ये काम करना चाहे तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। भले ही मेजोरिटी मिल जाए तो भी वो किसी की इम्प्लॉयड अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, सबकी कंसेंट यहाँ पर चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंशन कीजिएगा ऑल बार बार, मेजोरिटी से भी काम नहीं होगा, वन पर्सन से भी काम नहीं होगा। तो ये देखा हमने सेक्शन नंबर 20। और सेक्शन नंबर 21 क्या बोल रहा है? इमरजेंसी में पार्टनर की अथॉरिटी क्या है? इमरजेंसी में कोई कुछ काम करना पड़ा तो क्या कर सकते हैं? तो अ पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस इन हिज ओन केस एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस एंड सच एक्ट्स बाइंड द फर्म। इनका कहना है इमरजेंसी हुई और लॉस को बचाने के लिए एक पार्टनर जो कर सकता है उसको करना चाहिए, वो फर्म को बाइंड कर देगा। ठीक है, सो 21 इमरजेंसी था। 20 में हमने समझ लिया कि एक्सटेंशन हो सकता है और इम्प्लाइड अथॉरिटी को हम रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। और उससे पहले हमने कंबाइंड रीडिंग कर ली है किसकी? 18 की, 19 की और 22 की। 18 क्या बोल रहा है? 18 बोल रहा है कि यार हर बंदा एजेंट है। 19 बोल रहा है थोड़ा सब्र रखो, शांति रखो, अगर यूजुअल बिजनेस के लिए काम किया है तो ओके, फर्म के नाम पर किया है तो ओके, और स्कोप ऑफ अथॉरिटी में लेके किया है तो ओके, तो इम्प्लाइड अथॉरिटी को आप यूज़ कर सकते हो। और कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर इम्प्लाइड अथॉरिटी आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हो। आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ना बेचने के लिए ना खरीदने के लिए। आप कभी भी प्रोसीडिंग्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसे आप प्रोसीडिंग्स एडमिट नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, आप आर्बिट्रेशन में कोई मैटर नहीं ले जा सकते फर्म का, आप कोई क्लेम को सेटल नहीं कर सकते फर्म का, आप कोई बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते खुद के नाम पे कि फर्म के बिहाफ पे खुलवा रहे हैं, और आप कोई पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। इतने सारे काम इम्प्लॉयड अथॉरिटी में नहीं आ रहे हैं, ये सेक्शन नंबर 19 ने सिखाया। और 22 बोल रहा है कि सारे काम फर्म के नाम पर करना और चुपचाप, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद में 21 बोल रहा है इमरजेंसी और 20 बोल रहा है प्लस माइनस। क्या प्लस माइनस हो सकता है इम्प्लॉयड अथॉरिटी में? हो सकता है, बट सबका कंसेंट चाहिए, मेजोरिटी भी होगा तो काम नहीं चलेगा, ऑल सभी पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, सो इस तरीके से हमने यहां पर रिलेशनशिप ऑफ अ पार्टनर विद थर्ड पार्टीज भी हमने समझ ली है। और कितने सेक्शंस हमने यहां पर कवर करे हैं? 18, 19 एंड 22, ये तीन सेक्शन यहाँ पर कवर करें, उसके बाद में दो सेक्शंस और करें, तो टोटल 5 सेक्शंस हमने यहाँ पर कवर करे हैं, किसमें? थर्ड पार्टी के साथ में। और उससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने म्यूचुअल यानी कि पार्टनर टू पार्टनर के बीच में 9 सेक्शंस कवर कर रहे हैं। इस तरीके से टोटल 14 सेक्शंस हम अभी तक कवर कर चुके हैं। और अगर सीरीज़ की आप बात करेंगे तो ये सेक्शंस चालू हो रहे थे 9 to 17 हमने देखे म्यूचुअल में, देन 18 to 22 हमने देखे अभी। ठीक है, सो इस तरीके से 22 सेक्शंस तक हमारी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। और अगर आप ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर की बात करेंगे सो अभी तक हम क्या क्या चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं देख लीजिए। हम म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ खत्म कर चुके हैं, रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद थर्ड पार्टीज हमारी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, और इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ पार्टनर भी हमने देख लिया है। अब हमें देखना है एडमिशन ऑफ पार्टनर, लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज क्या होती है क्या नहीं होती है, और फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये बहुत ही अब छोटा सा पार्ट बचा है, 1, 2 and 3, ये सिर्फ 3 चीज़ें ही हमको देखनी है, ये हम देख लेंगे और हमारा चैप्टर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो ये दो लेक्चर्स यहाँ पर ही ख़त्म होते हैं हमारे इस पूरे चैप्टर के, इस स्पेसिफिक यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहली यूनिट के दो लेक्चर कर रहे हैं, दूसरी यूनिट के ये दूसरा लेक्चर था, और भी लेक्चर्स दूसरी यूनिट के लिए आने वाले हैं, वो जरूर देखेगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप आपको वीडियोज पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज ई केड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। देखने के लिए धन्यवाद।